जीवन परिचय शास्त्रीय गायक श्री सवाई गंधर्व। किराना घराने के प्रख्यात गायक और श्रीमती गंगूबाई हंगल पंडित भीमसेन जोशी ऐसे प्रख्यात संगीतज्ञों के गुरु को उनकी विशेष प्रतिभा के कारण सवाई गंधर्व कहा जाता था। उनका वास्तविक संपूर्ण नाम श्री राम कुंद गोलकर था। कहते हैं कि बचपन में उनका कंठ संगीत के योग्य नहीं था, किंतु उनके निरंतर परिश्रम ने उनमें एक उच्च गायक की विशेषता उत्पन्न कर दी, इसलिए लोग उन्हें सवाई गंधर्व कहा करे थे। अपने जीवन के लगभग 24 वर्षों तक वे नाटक मंडलियों में कार्य करते थे और उस समय की प्रथा के अनुसार सुभद्रा, तारा आदि स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते थे। उन्हें इस कार्य में पूर्ण सफलता मिली। नाटक में जाने के पूर्व आप संगीत सीखते थे। बचपन से ही आपका झुकाव संगीत की ओर विशेष रूप से था, किंतु अभिनय भी उनकी दूसरी रुचि थी। वे अब्दुल करीम खां से गायन सीखने लगे। खां साहब बड़ी रुचि से उन्हें संगीत की शिक्षा देते और कुंद गोलकर स्वयं बड़ी श्रद्धा भक्ति और लगन के साथ गुरु की सेवा करते हुए संगीत विद्या ग्रहण करते। खां साहब काफी समय तक उन्हें संगीत अभ्यास कराते और स्वर्गीय कुंद गोलकर स्वयं अधिक से अधिक समय तक संगीत साधना में रत रहते। सोने और सुहागे का संयोग हुआ और एक संगीत रत्न का प्रादुर्भाव हुआ। आपने किराने घराने में शिक्षा तो ली, किंतु अन्य घरानों से भी जो सामग्री मिल सकी उसे ग्रहण किया और अपनी गायकी को अधिक समृद्धशाली बनाया। संगीत की विभिन्न महफिलों में आपके गायन की बड़ी प्रशंसा हुई। एक और आप अच्छे गायक थे तो दूसरी ओर एक अच्छे संगीत शिक्षक भी। आपके कई शिष्य इस समय अखिल भारतीय स्तर के संगीतज्ञ है। उल्लेखनीय नाम है भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, इंदराबाई खाडलका, कागला बुआ आदि। सन 1942 में दुर्भाग्यवश आप पक्षघात के शिकार हो गए। डॉक्टरों के उपचार का प्रभाव आप पर अच्छा पड़ा, किंतु उन लोगों ने गाने के लिए मना कर दिया और यह आग्रह किया कि अगर गाना बंद न करेंगे तो इसका प्रभाव उन पर हानिकारक होगा। यह उनके लिए क्या प्रत्येक गायक के लिए बहुत बड़ी सजा थी, किंतु ये तो ईश्वरीय थी। अपना कोई बस नहीं, ईश्वर इच्छा समझकर उन्होंने अपने को तो रोका, किंतु तानपुरे को देखकर नेत्रों से आंसुओं को छलकना वे किस प्रकार से रोक सकते थे। इस तरह उन्होंने किसी प्रकार 10 वर्ष काटे। आखिरकार 12 सितंबर 1952 को पुणे में अपना ये शरीर छोड़कर परलोक सिधार गए। उनके कुछ रिकॉर्ड अभी भी सुरक्षित हैं। उनकी गायकी में चैनदारी, स्वरों की क्रमबद्ध बढ़त और तानों में हरहराहट थी। उनकी गायकी का आभास पंडित भीमसेन जोशी के गायन में देखा जा सकता है।